अब ये जॉइन हो गया है इसका बैक पोर्शन, ये देखिए ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो ये फीट है, कट टू वन रिवर्स था, ये मैंने रेड कलर में काटा है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं क्यू एंड आर लिखा हुआ है मैंने, ये क्यू एंड आर आपको इस बॉटम लेग के क्यू और आर से ज्वाइन करना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, अगर आपके पास इस तरह की पिन्स हैं आप पिन्स लीजिए और इनको ज्वाइन कीजिए। आप देख रहे हैं ये बॉटम लेग का आर एंड क्यू पोर्शन है, ये इसमें दे रखा है क्यू और आर पोर्शन, इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि ये क्यू मैं पकड़ के आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप एक पिन ज्वाइन कर लीजिए, स्टिच मारनी इजी हो जाएगी, स्टिच करना इसको इजी हो जाएगा। तो एक और पिन ले लेते हैं और हम इसको यहाँ पर क्यू से क्यू ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से पकड़ के ये देखिए, अब ये पोर्शन आपने इसको यहां से लेकर यहां तक, क्यू से लेकर आर तक ज्वाइन करना है। देखिए अब हमने ये यहां से क्यू से लेकर आर हमारा ये ज्वाइन हो गया है, हमने दोनों साइड से ज्वाइन कर लिया है। ये इस तरह से इसका फुट आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों पोर्शंस में आपने ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद में आप क्या कीजिए, जो ये लेग का पोर्शन है एस से लेकर एस, इसको भी आपने आपस में ज्वाइन कर देना है, यहाँ से लेकर ये एस से लेकर जो कट का पोर्शन है लोअर लेग का, ये आपने आपस में एस से लेकर के तक ज्वाइन कर लेना है। अब हमने इसका ये पोर्शन भी स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम फ्रंट बॉडी का पोर्शन जोड़ते हैं, इसको आप इस तरह से सीधा रखिए, जो फ्रंट पोर्शन आपने बनाया है उसको भी सीधे के साथ में सीधा आप मिक्स करेंगे, मिलाएंगे और इस तरह से इसके फीट रखेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो जॉइंट है और इसका जो जॉइंट है, ये आपस में इस तरह से आपने यहाँ से जोड़ने हैं। अब इसके लिए अगर आप क्या करेंगे कि अगर पिन लगा के रखेंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं पिन्स लगाती हूँ, उससे क्या होता है कि हमारी स्टिचिंग करनी थोड़ी सी इजी हो जाती है। एक जॉइंट पे यहाँ पर, तो दूसरा जॉइंट आपका यहाँ पर है, इस जॉइंट से लेकर इस जॉइंट को आप जोड़ेंगे और यहाँ पर भी एक पिन लगा दीजिए। सेफ्टी पिन हो आपके पास, सेफ्टी पिन लगा लीजिए, जो भी पिन आपके पास हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली पिन्स हैं, मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने ये लगा ली। अब ये यहाँ से इसका सेंटर पकड़ के आपने इस तरह से यहाँ पर, अब आपने क्या करना है, ये पूरा आपने यहाँ से लेकर इधर से लेकर यहाँ से राउंड करके स्टिच करके और इस पोर्शन से होते हुए पूरा यहाँ से ये पोर्शन आ गया और ये लेग का पोर्शन, फिर वही सेम पिन्स लगा लीजिए, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। और यहाँ के बाद में आपने इस ऊपर एल तक में ज्वाइन कर लेना है, आपने इसका स्टिच कर लेनी है सेम इसी तरह से, यहाँ से भी सेम आपका एल यहाँ से शुरू कर कीजिए आप, और ये राउंड करके और ये एल तक में आप स्टिच कर लीजिए इसको, ये आपका लेग का पूरा पोर्शन यहाँ तक स्टिच हो जाएगा। देखिए ये हमने इसका फुट स्टिच कर दिया है, यहाँ से स्टिच करते हुए, फिर उसके बाद ये फुट स्टिच किया और यहाँ से स्टिच करते हुए ये, और दूसरा फुट और ये। इसको सीधा करते हैं, ये इसकी फ्रंट बॉडी है, ये इसका फुट हो गया। अब इसके आर्म्स बाजू जोड़ते हैं, इसकी आर्म्स जोड़ने के लिए ये जो आपका है आर्म बैक,
इसमें देखिए यहाँ M और N लिखा हुआ है, ये आपको बॉडी के, बैक बॉडी के M और N से जोड़ना है। देखिए कैसे, ये है, इसमें M और N लिखा है, ये बैक बॉडी, आप बैक कर लीजिए इसको। यहाँ M से लेकर N तक आपने इसको भी उल्टा करके रखिए, और ये M से लेकर, यहाँ से लेकर, M से लेकर ये N तक, इसको यहाँ पर, और इस आर्म को, दूसरे वाले को, यहाँ M से लेकर यहाँ M तक आप स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये अब हमने बैक आर्म M से लेकर N तक स्टिच कर दी है दोनों साइड से, इस तरह से। अब इसकी फ्रंट आर्म स्टिच करते हैं, तो इसको फ्रंट में ले लीजिए। ये जो आर्म आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट आर्म है, और ये इसके साथ में फ्रंट आर्म हैंड है। इसमें आपने क्या करना है, ये दे रखा है यहाँ O से P और ये वाला O से P, आपने इनको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है O से लेकर P तक। जैसे कि ये वाला पीस है O से P, ये वाला पीस था, और ये मैंने रेड काटा है, जो ये फ्रंट हैंड है इसका, इसको मैंने रेड में काटा है। तो ये रेड से O से लेकर P तक हमने इसको इस तरह से स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है दोनों पीसेस को। अब बैक आर्म आपका लग गया है, अब आपने क्या करना है, फ्रंट आर्म इसका जोड़ना है। तो फ्रंट में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर N और E निशान लिख रखा है दोनों साइड से, E और N। इस फ्रंट आर्म में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर E और N, ये देखिए E और N लिखा हुआ है। तो ये E और N आपके इस बॉडी के E और N के साथ में जोड़ना है। जैसे ये है E N, इसको आपने यहाँ के E और N से इस तरह से, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से जोड़ते हुए, और पूरा ये N तक इस तरह से आप स्टिच करेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से आप स्टिच कर लेंगे E और N। अब इसकी ये फ्रंट पोर्शन में बाजू फ्रंट वाले जुड़ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो ये शोल्डर टाइप में यहाँ पर देख रहे हैं आप, E और M बना हुआ था, फ्रंट बॉडी में भी E और M और बैक बॉडी में भी E और M, इनको आपस में आपने इस तरह से जोड़ना है। अब साथ में पिन लगाते चले जाइए, फिर आपको सीना आसान हो जाएगा। ये यहाँ से जुड़ता हुआ यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर ये हैंड, और ऐसे करके, और ये पूरी बॉडी आपने यहाँ तक अब स्टिच कर लेनी है, सारी की सारी बॉडी। अब इसका सिर्फ नेक ओपन रह जाएगा यहाँ पर, बाकी आपने यहाँ से लेकर और यहाँ से, और ये सारी बॉडी आपने यहाँ तक, शोल्डर तक स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, अब इसके आर्म्स भी स्टिच हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो हेड है, हेड का जो फ्रंट पोर्शन है, वो हम बॉडी के फ्रंट पोर्शन से जोड़ देंगे, और बैक वाला हम ओपन छोड़ेंगे फिलिंग के लिए, जहाँ से हम इसको फिल करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, ये भी उल्टा करके, और बॉडी भी आपकी उल्टी है, ये सेंटर पॉइंट जो स्टिच बीच में आ रही है फ्रंट बॉडी के, और इसमें जो ये स्टिच है बीच में आ रही है सेंटर में, इसको और इसको मिला के आपने यहाँ तक, इस वाली स्टिच तक, बाजू वाली स्टिच तक, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आपने स्टिच कर लेना है। ये स्टिच करने के बाद में हेड इसके साथ में अटैच हो जाएगा, बैक ओपन रहेगा जहाँ से हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में हम बाद में इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, अब हमने फ्रंट पोर्शन से फ्रंट हेड इसका जोड़ दिया है, बैक में मैंने ये ओपन छोड़ा है, यहाँ से अब हम इसको सीधा करेंगे, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। तो आइए इसको, टैडी को हम सीधा करते हैं। ये देखिए, अब हमने सीधा कर लिया है इसको। उसके बाद में अब आपने फाइबर लेके इसको फिल करना है। तो थोड़ा सा फाइबर हमने खोल लिया, पहले नीचे से शुरू करेंगे, इसके फुट से, वहाँ पर आपने इसका फाइबर भरना शुरू करना है।
थोड़ा थोड़ा लेकर, और इसको पूरा आपने फिल कर देना है। ये देखिए, अब हमने सारा टेडी बियर फिल कर लिया है। अब हम इसकी बैक को स्टिच करेंगे। जो आपने खुला पोर्शन छोड़ा था, इसको अब हम सुई से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए सुई और धागा लीजिए। किस तरह से स्टिच करना है वो देख लीजिए। ये पहले यहाँ से हमने सुई डाली, इसके बाद में इसको लैडर स्टिच कहते हैं। आपने इस साइड में यहाँ से निकालना है स्टिच, और फिर नीचे वाले से थोड़ा साथ साथ में और थोड़ा खींच के यहाँ से और यहाँ से। ऊपर और नीचे इस तरह से आपने ये सारा इसका जो बैक है वो फिल कर बंद कर देना है। ये देखिए, एंड तक हम पहुंच गए हैं और हमारा ये पूरा बैक इसका बंद हो गया है। पीछे से स्टिच इस तरह से हुई है कि पता भी नहीं चलेगा कि पीछे से ओपन था और आपने यहाँ से फिल किया है। ये देखिए, हमारा टेडी बेयर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें एयर लगाने हैं। एयर में हमने क्या किया है, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही हल्का सा कॉटन लेके और इसके अंदर हम फिल करेंगे, बहुत हल्का सा, जस्ट थोड़ा सा, कि थोड़ा वो कान जो है इसके खड़े रहें। और ये आपको इधर पे सुई से स्टिच करने हैं। देखिए, अब ये एयर हमने यहाँ पर अटैच करना है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मोड़ के इस तरह से एक पिन के सहायता से बंद कर देती हूँ। उसके बाद में हम इसमें स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिचिंग के लिए धागे को गांठ मारिए और उसके बाद में जैसे यहाँ से आपने स्टिचिंग शुरू करनी है, अंदर से आपने एक धागा निकाला अंदर साइड से, तो स्टिच आपको वैसे ही करना है। एक स्टिच इधर से लीजिए और एक इसके ऊपर से, इधर से इसके हेड से और इसके एयर से, इसके हेड से। इसी तरह से आपने ये इसका पूरा ईयर जो है स्टिच कर लेना है, पूरा आगे से भी और पीछे से भी। ये देखिए, इस तरह से ये बंद हो जाएगा साथ में। देखिए, हमने इसके दोनों कान अटैच कर दिए हैं। अब इसमें एक फाइनल टच देते हैं। इसका थोड़ा सा यहाँ पर फेस बनाएंगे और एक रिबन आपके पास होगा, वो इसके नॉट गले में टाई बांध दीजिए। और देखिए, आपका क्यूट सा टेडी बेयर रेडी है। प्लीज़ क्लिक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई तो प्लीज़ क्लिक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।